मकतूल थे जिनको मारा है वो आपके क्या लगते हैं? सके मामू। सगे मामू का आपने मर्डर किया? इधर एक भोला शूटर नाम का अदनान उर्फ भोला शूटर नामी लड़का कत्ल हुआ, वो मेरे मामू ने पास करे हो गए अपने दूसरे भतीजों से भांजों से करवाया, उन्होंने फिर उसी वे मसले में मतबादल इसे कत्ल किया। तो बच्चे बाहर खेलते खेलते झगड़ पड़े और बच्चों की वजह से बीवियों की झगड़ा हो गया, उनकी वजह से मारा हो गया और बस नाराज़गी हो गई, बोलचाल बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शदरा टाउन के बाहर मौजूद हूं। यहां पर मुकदमा नंबर 1448/22 यानी 302 का केस आया है, जिसमें एक शख्स को फायरिंग करके मारा जाता है। मौके पर उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन अस्पताल जब ले जाया जाता है तो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी डेथ हो जाती है। दुश्मनी थी या कुछ और था, क्या मामला था जानते हैं, चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुलज़िम मौजूद है, सफाकत के साथ मर्डर किया, क्या मामला हुआ, कौन है ये और क्या दुश्मनी थी, सब पूछते हैं। क्या नाम है? नकी नासर। क्या करते हैं, पेशे के एतबार से क्या है? वासा में मुलाजिम। वासा में मुलाजिम है। जिनको मकतूल थे, जिनको मारा है, वो आपके क्या लगते हैं? सगे मामू। सगे मामू का आपने मर्डर किया? नहीं, क्या मर्डर नहीं मैंने किया, मर्डर फायरिंग किया? कुछ भी नहीं किया। फिर क्या मामला? कुछ भी नहीं, घर में बच्चों की वजह से झगड़ा था, झगड़े की वजह से उनका किसी और के साथ झगड़ा था, उन्होंने उसको मर्डर कर दिया, तो घर वाले ने बस झगड़े की बना पे मेरे पे FIR करवा दी। मौके पे आप यानी मौजूद नहीं थे, आपके एविडेंस इकट्ठे नहीं? नहीं, मैं ना मौके पे मौजूद हूँ ना मेरा इससे कोई तल्लुक है, और इलाका में कोई 100-250 बंदा मेरी इस चीज़ की गवाही देने को तैयार है। आपकी क्या रंजिश थी मामू से? कुछ भी नहीं, बच्चों की वजह से झगड़ा हुआ है। वही थोड़ा बताया ना, ताकि ये कुछ थोड़ी सी जो कड़ियाँ क्लियर हो सकता है, आप इसमें बाइज्जत तौर पर बरी हो जाए। बच्चे थे 11-12 साल का, मेरा बच्चा 11-12 साल का, उसका बच्चा है, तो बच्चे बाहर खेलते खेलते झगड़ पड़े और बच्चों की वजह से बीवियों की झगड़ा हो गया, उनकी वजह से मारा हो गया और बस नाराज़गी हो गई, बोलचाल बंद हो गई। कितने अरसे पहले की ये बात? तकरीबन 7-8 माह की। 7-8 माह में कोई ऐसी रंजिश नहीं, उसके बाद कोई नहीं हुई, तू तू मैं हुई, कोई मामला नहीं? हम एक ही मोहल्ले में रहते, साथ वाली गली में वो रहता है और साथ वाली गली में मैं रहता हूँ। अच्छा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है और बड़ी एक्टिव होती है, और आपको पता है कि आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर चीज़ फ़ौरन से सामने, CDR होती है, सम और होते हैं मामला, जिसकी वजह से आपको फिर क्यों अरेस्ट किया, आप क्या समझते हैं? FIR जब मुझ पर हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो FIR जब मेरे पे हो गई तो पुलिस ने तो अरेस्ट करना था। किसने किया? बच्चों ने किया? मामी ने। उनकी मिसेज ने? जी। तो मामी भी रिश्ते में आपके रिश्तेदार थी या बस जब शादी हुई तो फिर मामी बनी? जब शादी हुई तभी मामी बनी। मामू क्या काम? मामू का रक्षों का शोरूम था खरीदों पर। तो उन्होंने FIR में ये बताया है कि जी दुश्मनी थी, कोई खानदानी पहले से, कोई उसकी रंजिश की बिना पर इसने मारा? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चों की वजह से झगड़ा हुआ तकरीबन 8-10 माह, 6 माह 7 माह पहले, बस वो ही थी, उसके अलावा और कोई नहीं था। खानदान में किसी और ने आप पे एतमाद किया या आपके खिलाफ कोई बात की? कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन कहते हैं ये जी सही है, ये हक पे है? 2-3 जो आंटी वगैरह हैं वो मेरे साथ है, 2-3 उनके साथ। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मज़ीद भी करेगी, आप क्या समझते हैं कि आपके लिए बेगुनाही के लिए कौन सा ऐसा सबूत है जिसकी वजह से आप बच सकें? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ढूंढ लेगी जो भी होगा, मेरे बेगुनाही का भी सबूत और मेरे गुनहगारी का भी सबूत। 302 का आपको पता है ना कि मर्डर का केस है, और मर्डर में अगर तो आप साबित हो गए तो उसकी सज़ा भी आपको पता है? हाँ, तो पुलिस मुझे पता है नजायज़ नहीं ना करेगी, ये मर्डर का केस है, अगर गुनहगार होगा तो फिर रियायत नहीं करेंगे, अगर बेगुनाह होगा तो फिर नजायज़ नहीं करेंगे। आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? दो। दो बच्चे हैं, तो उन्होंने, चलो मामी ने कार्रवाई की, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है आपकी बेगुनाही के लिए? कोई भी नहीं, बस घर वाले जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे लड़के का नहीं ताल्लुक इस काम से, बस यही बात हो रही है अभी। यानी आप समझते हैं कि आपने नहीं किया? मैं जी, मैं समझता नहीं, मैंने किया ही नहीं है, समझने वाली बात ही नहीं। ये कब का मामला है, कब का वकूआ है? ये तकरीबन 5वें माह की 28 तारीख का इसी साल में। 5वें माह, और यानी कि अब ये 12वां चल रहा है, 7 माह चले गए हैं, 7 माह बाद आप पे अगर FIR हुई है, इससे पहले कहाँ थे आप? 7 माह पहले नहीं FIR हुई, FIR उसी दिन ही हो गई थी, फिर मैंने अंटेरम बेल करवाई और उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, दुबई से वापस आया, आकर फिर अंटेरम बेल करवाई, अंटेरम खारा जो पुलिस ने पकड़ लिया।
तो इस तरह के मामलात क्यों होते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये छोटी छोटी घरेलू मामलात है, खवातीन के मामलात है, बच्चों के मामलात है, इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकते? खवातीन को देखो जी, खुदा ही दे तो दे, औरतों की लड़ाई हुई उसकी वजह से हमारी नाराजगी होगी बस। तो आप क्या समझते हैं कि औरतों की लड़ाई में, औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है, नहीं आना चाहिए। की नेचर है कि वो सगे भाई को बहन को अपने से बालातर नहीं समझ सकते, ऐसे ही ऐसे अपने से कहीं और को भी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ता? नहीं नहीं, सब कुछ बीच में ही है ना, सब कुछ बीच में ही है। बच्चे और कुत्ते कहते हैं बड़ो बराबर है, एक दफ़ा लड़ते हैं दूसरे बाल एक भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ों को वो बच्चों के मामलात में नहीं आना, ऐसे ऐसे ही अगर हो तो फिर बच्चों को समझाना ही चाहिए, समझाना चाहिए। नाज़रीन, इन्होंने तो यही कहा है कि मैं इस मामले में नहीं हूँ, और जिन्होंने किया है मोमानी ने मेरे से खारबाजी की है या रंजिश थी या जो भी था, बच्चों के मामला थे, फिर औरतों तक पहुँचे और जिसकी वजह से ये हुआ है। आपके मामू जो हैं वो नेचर वाइज कैसे थे, वाकई वो लड़ाका तबीयत के थे या ठीक था मामला, वो अच्छे इंसान? नहीं, लड़ाका तबीयत के थे। लड़ाका तबीयत के थे। अगर किसी और ने भी मर्डर किया तो किस बेस पे किया होगा? उन्होंने तकरीबन इसी माह इसी सन में ना, पहले माह की 4 तारीख को इधर एक भोला शूटर नाम का, अदनान उर्फ भोला शूटर नामी लड़का कत्ल हुआ, वो मेरे मामू ने पास करे हो गए अपने दूसरे भतीजों से, भांजों से करवाया, उन्होंने फिर उसी वे मसले में मतबादल इसे कत्ल किया। तो मामू क्या काम करते? पहले उनका रक्षों का शोरूम वगैरह था ना, किस्तों वगैरह पे रक्षों का, बस वही काम। इनका कोई बैकअप स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना, यानी शूटर के थ्रू ही किसी का मर्डर करवाते हैं? शूटर नहीं, उसके अपने भतीजे थे, भांजे थे, उनसे उसने भोले शूटर का कत्ल करवाया था। वो क्यों करवाया था, किस बेस पे शूटर का क्यों कत्ल करवाया? वो भोले शूटर के दोस्त ने हैदर वगैरह का 2500 रुपया देना था जुए का, उसने हैदर से, हैदर कौन? सदीक का भतीजा, मामू का? हाँ जी, अच्छा। दूसरे मामू का बेटा, उसका 2500 रुपया देना था, फिर भोले शूटर के साथ झगड़ा हुआ, भोले शूटर ने आकर उसके बाजार में कान पकड़वा दे, उसकी वजह से मामू ने उसको बोला कि अगले दिन या उससे अगले दिन इसको मार दो, मामू ने पास खड़े होकर उसको मरवा दिया, फिर उन्होंने उसके मतबादल में इसके साथ ये काम किया। तो मामू ने भी बंदा मरवाया अपने भांजों भतीजों के थ्रू मंगवाया, वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो नहीं पकड़े गए? नहीं, वो आज़ाद हो गए ना, उनकी सुलह हो गई, फिर सुलह हो गई, यानी कि उन्होंने वो जो शूटर वगैरह है उन्होंने मुदय्यत की, अपना केस वगैरह दायर किया, FIR वगैरह करवाई? हाँ जी, उन्होंने FIR करवाई। ये कितने अरसे पहले का वक्त? ये एक पहले माह की 4 या 5 तारीख का मामला। उसके बाद 5 माह बाद उन्होंने ये कहा? हाँ जी, उसी दिन अगले दिन वो जब मामू बच्चों की अंटेरम करवाने गया अपने भतीजों भांजों की, उन्होंने सेशन कोर्ट भी उस पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम हुआ, वो पार्टी अरेस्ट हो गई, उसके बाद फिर ये काम हुआ तकरीबन 4-5 माह बाद। औरतें तो मर्द को समझाती हैं, बुरे काम से भी बचाती हैं, औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। तो आपकी मोमानी को पता था कि मेरा शोहर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो बचाना चाहिए, वो खुश होती थी, सपोर्ट कर? वो खुश होती थी, ये काम चंगा कर रहा है जी, ये बदमाशी वाला। हाँ जी, हाँ जी। अब आपकी फैमिली के क्या तासुरात हैं? कुछ भी नहीं, हमारी फैमिली बस घर में बैठी हुई है, छुप के उनसे तासुरात कोई भी नहीं, छुप के बैठी हुई है। आपको डर है कि अब आपका कोई फायर ना कर दे, कोई बंदा ना मार? हाँ जी, हाँ जी जी। नाज़रीन, बात आपने सुनी है जी, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई मामला नहीं है इसमें, मेरी चाची ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम, मोमानी ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है और इस तरह का कोई मामला नहीं है। मामू की कोई रंजिश थी किसी और के साथ और उनके आपस में मामला थे, 6 माह पहले उनका, यानी पहले साल के पहले महीने उनका किसी और के साथ मामला था, जो सारा इन्होंने किस्सा आप तक पहुंचाया भी, आप तक बताया भी। मामला है 302 का इनके ऊपर, अगर आखिर ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके ऊपर शक है या हकीकत है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही है, मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुँचाएँगे। राबिया मिर्ज़ा को फोकस न्यूज़ से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।